ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पुलिस का प्रयास हो कि किसी भी अपराध में कम से कम समय में गहनता से तफ्तीश हो और अपराधी को सजा और पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिले। पुलिस अपना काम बिना किसी दबाव के निष्पक्षता और सकारात्मक सोच के साथ करे। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था और अपराधियों की प्रभावी रोकथाम राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस अधिकारी इस दिशा में पूरी तत्परता और संवेदनशीलता से काम करें। आपको बता दें, मंगलवार रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम आवास पर वीसी के माध्यम से गृह विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में पुलिस की कार्यशैली को आधुनिक, पब्लिक फ्रेंडली और प्रोएक्टिव बनाने के उद्देश्य से थानों में स्वागत कक्ष, महिला अपराधों की रोकथाम और प्रभावी अनुसंधान के लिए हर जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद का सृजन, अनिवार्य FIR रजिस्ट्रेशन, जघन्य अपराधों के लिए अलग इकाई का गठन, महिला ए बाल डेस्क का संचालन, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्र जैसे नवाचार किए गए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि महिला अपराधों के प्रति विशेष कदम उठाने का परिणाम है कि राज्य में पॉक्सो एक्ट और महिला अत्याचार के प्रकरणों के निस्तारण में लगने वाला औसत समय काफी कम हो गया है। दुष्कर्म के मामलों में अनुसंधान समय साल 2018 में 211 दिन था, जो वर्ष 2021 में घटकर 86 दिन रह गया है। साथ ही जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के कारण महिला अत्याचार के लंबित केसों की संख्या 12.5% से घटकर 3.9% रह गई है। सीएम गहलोत ने कहा कि इसे और कम किया जाए ताकि पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिले। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि महिला अपराधों को लेकर कोई लापरवाही नहीं हो, पुलिस घटना स्थल पर तत्काल पहुँचे ताकि साक्ष्य जुटाने में आसानी हो और प्रकरण के अनुसंधान को गति मिल सके। सीएम गहलोत ने बताया है कि महिला अपराधों पर प्रभावी रोकथाम की दिशा में कार्य करते हुए पुलिस ने वर्ष 2021 में पॉक्सो एक्ट के 510 प्रकरणों में अपराधियों को सजा दिलवाई है, जिनमें से 4 प्रकरणों में मृत्यु दंड तथा 35 प्रकरणों में आजीवन कारावास की सजा मिली है। कोट खावदा, पिलानी, काकरोली, पादुकला, सवाई माधोपुर जैसे कई प्रकरणों में तो रिकॉर्ड समय में अनुसंधान पूरा करते हुए पीड़ित को न्याय दिलाया है। सीएम गहलोत ने अधिकारियों से कहा कि पुलिस ऐसे मामलों में अभियोजन अधिकारियों के समन्वय से इस समय को और कम करे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह संतोषजनक है कि प्रदेश में अनिवार्य FIR की नीति के बेहतर परिणाम सामने आए हैं। वर्ष 2018 में दुष्कर्म के 30% से अधिक मामले कोर्ट के इस्तगासे के माध्यम से दर्ज होते थे, इनकी संख्या घटकर अब 16% रह जाना यह बताता है कि हमारी नीति सफल रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि अनिवार्य FIR की नीति से महिलाओं सहित कमजोर वर्ग का थानों तक पहुंचने का हौसला बढ़ा है, जिससे अपराधियों में भी खौफ पैदा हुआ है। बैठक के दौरान आगे सीएम गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस अधिकारी अपराधों के पंजीकरण की संख्या में वृद्धि की परवाह किए बिना इस नीति की पालना करें, क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य पीड़ित को न्याय दिलाना और निर्दोष के हितों की रक्षा करना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी मानता है कि दर्ज अपराधों की संख्या में वृद्धि का अभिप्राय यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि अपराध भी बढ़े हैं। अपराध के आंकड़ों में वृद्धि राज्य में जन केंद्रित योजनाओं और नीतियों के परिणाम स्वरूप हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि समय समय के साथ अपराध के तौर तरीकों में भी बदलाव आया है, साइबर क्राइम की काफी शिकायतें सामने आ रही है। सीएम गहलोत ने प्रदेश में नारकोटिक्स, ड्रग और नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर अंकुश के लिए एक डेडिकेट यूनिट बनाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि बदलते समय के अनुरूप पुलिस सूचना तकनीक तथा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक उपयोग करे। सीएम गहलोत ने कहा कि पुलिस कार्मिक कठिन परिस्थितियों में भी अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, ऐसे में उनका मनोबल बनाए रखने के लिए उन्हें समय समय पर प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें पदोन्नति सहित अन्य सेवा लाभ समय पर मिले। सीएम गहलोत ने निर्देश दिए कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की प्रस्तावित भर्तियां समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित की जाए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।